ये जो किसान खड़े हैं ये झिझारपुर तहसील इटारसी और ब्लॉक केसला के किसान हैं। इन किसानों के खेतों में पानी भरा हुआ है। ये जो पानी भरा हुआ है ये क्यों भरा हुआ है और इनसे क्या हानि होने वाली है, अपन इनके ही मुख चुमानी सुनते हैं। हाँ भाई साहब, क्या समस्या है आपको? ये हमारे खेत में सर पानी भरा चुका है पूरा। हाँ, और रेलवे का काम चल रहा था, इसमें मिट्टी डाल दी है, पूरी की है, धान लगी हुई है, पूरी धान डूब चुकी है। अच्छा, तो ये जो निर्माण कार्य चल रहा है, काय का निर्माण कार्य चल रहा है? गर्मी में बोला था नाली निकाल लो नाली। हाँ, तो बोलते ये सब कुछ नहीं होगा, आप जो बने शिवराज से बोल दो। हाँ, कमल पटेल से बोल दो। हाँ, कुछ से बोल दो, जो हमारा काम था। तो ये जो निर्माण कार्य चल रहा है रेलवे के का चल रहा है, और रेलवे के द्वारा मिट्टी डाली गई है जिससे आपके खेत में पानी भरा हुआ है, और आपने रेलवे के उच्च अधिकारियों को सूचना दी क्या इसकी? क्या यहाँ नहीं दी? क्या बोलते हैं वो? आपसे जो बने वो कर लो। अच्छा, उनके द्वारा ये कहा गया है कि आपसे जो बने वो कर लो। हाँ, और क्या बोल रहे हैं कि आप शिवराज सिंह चौहान जी से बोल दें, माननीय मुख्यमंत्री? हाँ, कमल पटेल से बोल सकते हो किसी? अच्छा, उन्होंने ये बोला माननीय कृषि मंत्री कमल पटेल जी से भी बोल दीजिए आप। हाँ, किसानों को जो हानि होगी उससे हमारा किसी प्रकार का कोई भी जुड़ाव नहीं है उससे। अच्छा अच्छा, इसमें कोई देखने नहीं आ रहा इधर। तो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए आपके साथ? अच्छा, आप ये चाहते हैं कि आपके खेत में जो पानी भरा हुआ है ये निकल जाए, यानी तत्काल व्यवस्था हो जाए आपकी, जिससे कि आप आपकी जो फसल होने वाली धान की, वो धान की फसल आप अपने खेत में निकाल लें। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे तालाब बन गया, तालाब पूरा डूब गया, पूरा तालाब बन गया, डूब गया। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। ये कहाँ की रास्ता है? हाँ, क्यों दिक्कत पड़ रही? ये गड्ढे हो रहे हैं। ये गड्ढे कौन ने किए? रेलवे वाले का। अच्छा, रेलवे की पुलिया बन रही है ये? हाँ, तो इनने ये गड्ढा करके रखी है। अच्छा अच्छा, क्या है? बोला कि मिट्टी डाल दो, तो मिट्टी नहीं डाल रहे। धान भी लगी है, उसके लिए यूरिया डालना, डीएपी डालना, तो ट्रैक्टर ट्राली से लेबर से कहां तक ले जाएंगे? 3-3 किलोमीटर दूर। अच्छा, कंधे पे रख के। तो ये गड्ढा हो गया है, ट्रैक्टर नहीं निकल रहा है यहाँ से वहाँ तक, पूरी रोड खराब कर लो। ये चलित रास्ता है, ये मेन रास्ता है, मेन रास्ता है, और इसके कारण आपके ना वाहन जाते ना आप अपने घर जा पाते हो। अच्छा, उनका निर्माण कार्य में नहीं फंसती और जेसीबी? हाँ, गांव के निर्माण कार्य में जेसीबी फंसती है और उनके निर्माण कार्य में नहीं फंसती? अच्छा ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है भाई साहब आपका? क्या समस्या है अभी आपकी? समस्या ये है कि रेलवे लाइन वालों ने पटरी बनाई है, मिट्टी डाली है, में निकासी नहीं दी है अभी। हाँ, और अपने खेत में पूरा पानी भरा रहा है, फसल की नुकसानी हो रही है। अच्छा, जैसे धान लगा रहे हैं तो धान भी लग पा रही, पानी भरा है। करते वो लोग, और दूसरी बात यह है कि जैसे भी उनकी यहाँ काम चल रहा था तो उनसे बोला जी नाली कर दो भाई, थोड़ी सी दूर में नाली भी नहीं बनाई। क्या बोलते हैं वो लोग? वो बोलते हैं कि जे हमारे उसमें नहीं है, तो हमारी हद में नहीं है। हाँ, काम इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। तो अब आप शासन से क्या चाहते हो? शासन से ये चाहते हैं कि
ये पानी भरा है, अपना कुछ ऐसी व्यवस्था जमाए कि पानी निकल जाए पूरा। अच्छा ठीक है।